तो फ्रेंड्स हमारे पास ये ममता है यहाँ पे, है ना। इसको पहाड़ों में हमने डाल दिया है, ठीक है, पहाड़ों में हमने इसको डाल रखा है। स्मूथ सरफेस है, दूर तक बर्फ है, और स्मूथ सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ है कि फ्रिक्शन वहां जीरो है। देखो म्यू बराबर क्या है, जीरो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जीरो है। और इसको जान बचाना है, इसके पास एक बस मोबाइल है जिसमें नेटवर्क नहीं है, तो कैसे बचा सकती है। और ये लाल लाल गाल मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ठंड की वजह से क्या हो जाता है, हम लोगों का गाल लाल होने लगता है, इसे कहते हैं स्नो बाइट। चलो ठीक है, तो अब कैसे बचा सकती है उसको देखते हैं। हम मुझे ये बताओ, अगर ये बच्ची खड़ी है यहाँ पे, अगर ये बच्ची यहाँ खड़ी है, तो ये बात इसके तो सच्ची ऊपर, है। हाँ, ये और इसका मोबाइल दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूँ, तो अभी इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है? तुम बोलोगे टोटल फोर्स बहुत सारा काम कर रहा होगा, बट नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है? जीरो। बोलो ममता, क्या मैं गलत हूं? नहीं सर, मैं सही हूं। और इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल भी इसके ऊपर जीरो है। बोलोगे हाँ बात तो सही, हाँ एफ एक्सटर्नल जीरो है। तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम का बात करूं, पी आई का मैं बात करता हूं, इसके मोबाइल फोन का, पी आई मोबाइल फोन, और पी आई ममता, अरे यार ममता को एम ए लिख देते हैं, माँ ममता, सब जीरो, सब जीरो, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं है ना, वेलोसिटी है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं अगर ममता मोबाइल फेंकती है दूर घुमा के, ध्यान से सुनना, अगर ममता दूर फोन घुमा के फेंकती है, तो क्या कोई आदमी बाहर से जाके फोर्स लगा रहा है क्या सिस्टम पे? तुम बोलोगे नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अभी भी जीरो ही है, वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। वो क्या है? सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। और अगर सिस्टम का फोर्स इंटरनल है और एक्सटर्नल अभी भी जीरो लग रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला काम हो जाएगा कहानी? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। यानी अगर पहले मोमेंटम जीरो था पूरे सिस्टम का, मैं पी आई एस लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का अगर जीरो था, तो सिस्टम अभी भी क्या चाहेगा कि उसका मोमेंटम क्या हो? जीरो। भाई एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगा ही नहीं है। अरे हाँ या ना, सिस्टम क्या चाहेगा? ये यस पूरा का पूरा, अभी जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये चाहेगा कि मोमेंटम हम अभी भी जीरो रखें? बिल्कुल वो जीरो रखना चाहेगा। तो क्या पी फाइनल सिस्टम ये भी जीरो हो जाएगा? और पी फाइनल सिस्टम जीरो हो जाएगा, तो तुम बोलोगे इसका मतलब ये है कि पी इनिशियल, सॉरी, पी फाइनल ममता प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस अच्छा प्लस ही होगा, पी फाइनल मोबाइल, मोबाइल ये एक इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस कर देते हैं, मोबाइल इज इक्वल्स टू पी फाइनल ममता, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जीरो है तो दोनों ऐसा कुछ आ जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे हम गन और बुलेट का किए थे, याद है कि वेलोसिटी ऑफ गन यस और मोमेंटम ऑफ गन बुलेट, याद आया? अरे याद आया कुछ? सर, यस हाँ सर, नहीं आया तो मैं इक्वेशन को फिर से एक साइड कोप्चे में लिखूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया? मैंने बताया है कि सिर्फ एफ एक्सटर्नल अभी जीरो है, इसका जवाब अभी तुम लोगों को पता चलेगा काफी अच्छे से। और सिस्टम के ऊपर मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। बताओ कोई दिक्कत? जब वो मोबाइल फेंकेगी, ध्यान से सुनना, जब वो मोबाइल फेंकेगी, क्या मोबाइल का कुछ मास होगा, हम मान लेते हैं स्मॉल एम, और वेलोसिटी उसको दे दिए वी, बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मोबाइल का, ये किसका है, मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल। और जब ये मोबाइल को फेंकेगी, क्या ये पीछे जाना चाहेगी? तुम बोलोगे सर पता नहीं, ये हमको नहीं पता, ठीक है नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये पीछे जाएगी। क्यों जाएगी? अभी इसका लॉजिक देंगे, अभी इसका लॉजिक दिया जाएगा, ठीक है। तो यू वेलोसिटी से मान लो ये पीछे आए, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स पहले जीरो था, एक्सटर्नल फोर्स मोबाइल फेंकने के बाद भी क्या रहेगा, जीरो। अरे हाँ या ना, हाँ यस तो पी फाइनल सिस्टम क्या करना चाहेगा? तुम बोलोगे जीरो करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम तो कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ ना, तो पी फाइनल का वैल्यू क्या होगा, जीरो इज इक्वल्स टू, या जीरो छोड़ो, पी फाइनल का वैल्यू हो जाएगा मोमेंटम ऑफ मोबाइल एम वी,
प्लस MU, हाँ या ना? लेकिन हम्म, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि F एक्सटर्नल अभी भी जीरो है, और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बाई T इज इक्वल्स टू F, और जब इसी का वैल्यू जीरो तो ये भी जीरो। भाई F एक्सटर्नल देखो ना, जीरो है अभी भी, हम लोग कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से नहीं दिया, ममता अपना खुद ही देख रही है, मैनेज कर रही है। तो क्या अगर P जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो PF की जगह जगह हम ऐसे जीरो लिख दें, तो MV वेक्टर प्लस MU वेक्टर, हाँ, तो इसको जीरो को एक इधर ले आते हैं, तो MV वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस MU वेक्टर, हाँ या ना? हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसका मोमेंटम जीरो था। ममता जैसे ही इस मोबाइल को इधर फेंकेगी, जैसे ही इस मोबाइल को इधर फेंकेगी, यानी इसने दे दिया मोमेंटम, क्या दे दिया? मोमेंटम। तो पूरा सिस्टम उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए ममता को पीछे की तरफ फेंक देगा। बोलो, समझ में आया? तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अरे ममता, नहीं समझ में आया क्या? ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ। तुम अच्छा अगर आगे की तरफ फोर्स लगाओगी तो तुम खुद ही पीछे की तरफ चली जाओगी। कब? जब ये कंडीशन हो। अरे समझ आया क्या? इतने प्रेम से सर, समझाए, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तुम गंदे बच्चे। फिर से एक बार। पब्लिक के डिमांड पे एक बार फिर से, ममता ये कौन है? ये दिख रहा है तुमको? लाल हाँ, गालों वाला बंदर दिखा? ठीक है, सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ है। सरफेस क्या है? काफी ज्यादा स्मूथ। और ये खड़ा है और इसके हाथ में मोबाइल है। क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो है? क्योंकि अगर बाहर हाँ से कोई फोर्स लग रहा होता तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता। यस और यस। मैंने बताया था दो यस, कंडीशन, एक मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन, याद आ रहा है तुम लोगों को? जिसमें बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। उसमें भी एक्सटर्नल जीरो। फोर्स और नेट फोर्स जीरो होता है, याद है? इनर्शिया के वक्त में ही बताया था स्टार्टिंग में। दूसरा मैंने बताया था रेस्ट वाला, कि रेस्ट में भी वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो उसमें भी यही कहानी होता है। बाकी जो भी चीज होगा, जिसमें भी एक्सेलरेशन हो गया, किसी में भी अगर एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आ गया, इसका मतलब वो क्या है? बॉडी, उस बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स तो काम कर रहा है ऑलवेज। बोलो, हाँ या ना ममता? तो ममता जी अभी रेस्ट में है, तो पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स क्या कर रहा है? जीरो काम। लेकिन ममता ने इस मोबाइल को उठा के बाहर फेंका, क्या किया? मोबाइल को अपने हाथ से लेके बाहर फेंका, तो एक्सटर्नल फोर्स तो क्या है? अभी भी जीरो ही है, हमने बाहर से तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया। नहीं समझे? क्योंकि मोबाइल और ममता सब एक ही सिस्टम था। अपने आप उसने फेंक दिया मोबाइल को, मोबाइल को जैसे ही उसने फेंका ना बाहर, तो मोबाइल के पास कुछ वेलोसिटी आ गया, MV वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी की वजह से इसके पास कुछ मोमेंटम आया, है ना? सिस्टम क्या करता है कि अपने इनर्शिया को, अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए सेम मोमेंटम इसको भी दे देता है, ताकि चेंज इन मोमेंटम क्या हो? जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो मेंटेन हो जाए और नेट फोर्स जीरो। आया मृणाल, सॉरी ममता, समझ में? चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना पहाड़ों पर। उतने अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ कोफिशियंट होता है, फ्रिक्शन कोफिशियंट। मान लो मोबाइल नहीं होता तो जो भी होता हाथ में वही फेंक देती, ठीक है? दिमाग अगर कुछ भी नहीं सर, होता तो हाँ? दिमाग दिमाग फेंक देती, कुछ भी नहीं रहता तो नहीं, फिर ममता क्या बोल रही हो? अगर कुछ भी नहीं रहता हाथ में तो तो दिमाग है ना, स्पिट कर सकती थी, पर थूकना, थूकना जिसे कहते हैं, सर उसकी वजह। इसको, और इस मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैं बचूंगी कैसे, हाँ, इससे ऐसे ही कैसे बचोगा? बचूंगी, तुम स्लिप करते हुए चली जाओगी खाई में, कहीं गिर जाओगी, और क्या, खत्म। ठंडवा तो था मैं, बचना थोड़ी है, और क्या, मरूंगी ना। नहीं बच जाओगी, मूव करते 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 चली जाओ, ठीक है? तो ये कहानी समझ में आया? सेम कहानी होता गन और गोली में, गन और गोली में। गन और गोली को क्या है? एक सिस्टम मान लो, ध्यान से देखो, ये क्या है? गन और गोली। काफी गंदा बनाया है ना वैष्णवी? उसका देखा देखी बनाया उस दिन, वो बना रही थी। मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने अच्छा बनाया।
हाँ ठीक है, तो गन और गोली में ध्यान से सुनना, गन और गोली में क्या है, अभी ये रेस्ट में है या फिर जो भी कह लो, बट इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का कितना लग रहा है, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। अब मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम बोलोगे कि सर हम ट्रिगर दबाएंगे तो क्या हमने कोई फोर्स लगाया, उस चीज को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं। ये सही बात है कि हम वहां पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, बट उस चीज को हम क्या कर देते हैं, क्लास 12th के IIT के लेवल पे नेग्लेक्ट करते हैं। तो जैसे ही ट्रिगर दबता है, हम मानते हैं कि ट्रिगर खुद ही दबा है, तो ट्रिगर दबता है यानी एक्सटर्नल फोर्स अभी भी क्या है, जीरो। तो गोली जितना तेजी से आगे जाएगा, एमवी वेलोसिटी, कुछ मोमेंटम, देखो मोमेंटम वेलोसिटी नहीं देता है, बट इसका जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम इसको भी ये दे देगा, हाँ या ना। इसीलिए जब भी हम गोली चलाते हैं ना, तो एक पीछे से हमको झटका मिलता है। क्या मिलता है? झटका, जिसे क्या कहते हैं, रिकॉइल। झटका। यस, जिसे कहते हैं रिकॉइल। और इस रिकॉइल वेलोसिटी को हमने कल कैलकुलेट किया था। अब तुमसे पूछ लिया जाएगा कि गन कितना फोर्स लगा रहा है गोली पे, या ये पूछ सकता है गोली कितना फोर्स लगा रहा है गन पे, तो क्यों ना उस चीज को भी कैलकुलेट करके देखा जाए। क्या विचार है तुम लोगों का, देख ले क्या ममता? काफी गंदे तरीके से आज लिखे हैं, रुको आओ देखते हैं। मुझे ये कल की, बताना, कल को ऐसा लिखो ना सर हाँ ममता लिख उड़ दे। गई। अरे ममता तो चंपू है, बहुत बड़ी मैम। आओ दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं, अगर एक बुलेट, ध्यान से सुनना, हम वन बुलेट की बात करें, ध्यान से सुनना, एक बुलेट का बात करें कि एक बुलेट के पास कितना मोमेंटम होगा। तुम बोलोगे ये हो जाएगा एम उस बुलेट का वेलोसिटी अपॉन इतना ही बस। लेकिन फोर्स कितना लगा रहा होगा वो बुलेट के, वो बुलेट इतना फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, फोर्स होता है, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो क्या है? वो इतना फोर्स लगा रहा होगा गन के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में, हाँ या ना। और उल्टा ये भी कह सकते हैं यस कि इतना फोर्स गन लगा रहा होगा बुलेट के ऊपर आगे की तरफ, हाँ या ना। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बोलता हूं कि हमने एक सेकंड में, मान लो हमारे पास मशीन गन है, हमारे पास क्या है दोस्तों, मशीन गन, और हमने, एलएमजी। हाँ ठीक है, और हमने क्या किया, एन बुलेट है ना, इस एन को क्या कर ले, एन बुलेट कर ले, चलो एन इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं एन बाई टी डेल्टा टी, है ना, यानी ये है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। तुम बोलोगे ये कैसे आपने कैलकुलेट किया, मैं बताता हूं कैसे मैंने कैलकुलेट किया। मैंने बोला कि टी सेकंड में एन बुलेट निकल रहा है, मैंने क्या बोला है, टी सेकंड में एन बुलेट निकल रहा है, तो अगर इसको टी से डिवाइड कर दोगे तो एक सेकंड में कितना बुलेट निकल रहा वो आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में कितना बुलेट आ रहा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डेटा कैलकुलेट किया कि एक सेकंड में एन बाई टी बुलेट निकल रहा है, एक सेकंड में कितना बुलेट निकल रहा है, एन बाई टी बुलेट निकल रहा है। ठीक है, ये एक सेकंड का है, पर सेकंड, ये मशीन गन के लिए, ध्यान से देखना एकदम अच्छे से देखना। तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि अगर एन बुलेट निकलता है, कितना निकलता है, कैपिटल एन बुलेट निकलता है, कैपिटल एन बुलेट निकलता है, तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं एन एम यू बी लिख सकते हैं फोर्स। तुम बोलोगे ये कैसे, क्योंकि टाइम यहाँ पे वन है, टाइम यहाँ पे कितना दोस्तों, वन है, एक सेकंड का। देखो ना, ये वैल्यू कितने का है, ये वैल्यू है फॉर 1 सेकंड, कितने के लिए, पर सेकंड के लिए। चाहो तो नीचे वन लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत है, कुछ बोल नहीं रहा यार। नहीं नहीं सर, सर, हाँ, तो 1 सेकंड में जितना गोली निकला ये देखो, 1 सेकंड में, और नीचे टाइम कितना, टाइम की जगह वन डाले, 1 सेकंड में एन बुलेट निकला और टाइम हमने डाला वन, क्या वो इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा गन के ऊपर? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल करेगा। बिल्कुल तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन गन, बोलो हाँ कोई दिक्कत, तो गन के ऊपर ये नहीं। इतना फोर्स लगा रहा है, या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि गन बुलेट के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ठीक है, लेकिन ये वाला जब तुमसे पूछेगा कि गन कितना फोर्स लगा रहा है बुलेट के ऊपर, तो वो ये लिखना, क्योंकि ये एक बुलेट के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देख लो एक बुलेट,
और हम ये 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने के लिए, 1 सेकंड। भाई टाइम को कुछ तो फ्रेम में लेना पड़ेगा ना, तो 1 सेकंड में कितना फोर्स लगाया बुलेट ने, किसके ऊपर, गन के ऊपर। तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं बक्से में कैद। नहीं समझ में आया तो मैं मीटिंग अभी एक बार फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, तब फिर से समझाएंगे, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि अभी सवाल देंगे, हिलेगा नहीं सवाल, याद रखना, बिना कंसेप्ट के। सर, बोलो बोलो दोस्तों, आर यू दिक्कत? नो नहीं है, सर, दिक्कत ठीक नहीं है। है, दिक्कत नहीं हो ना, तो अभी जब सवाल देंगे तब तब तुम लोगों का बैंड बजेगा, अभी तुरंत तब मीटिंग को हमको दोबारा, दिक्कत होगी। हाँ ठीक है, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना है बच्चों, जल्दी से आइए, मीटिंग को ज्वाइन कीजिए।